Assalamu alaikum dear students, I welcome you all in our next lecture from P block elements, and today's lecture is going to be very much important for your board exams and for all the competitive exams. Basically it is the simplest topic you would ever see in P block elements. And aaj ke is lecture mein hum padhne ja rahe hain preparation properties and uses of ammonia. Ammonia jo hai jiski formula hai NH3, is compound ko hum कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, अमोनिया को कैसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं या इसको हम इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हमें इस अमोनिया के बारे में पढ़ना होगा. आई थिंक ये लेंथी क्वेश्चन है, इसके मैं दो पार्ट्स आ सकते हैं. पहले पार्ट में मैं प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा और सेकंड पार्ट में मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को डिस्कस करूंगा. आई होप पहले ही लेक्चर में हो जाए और अगर नहीं भी हुआ तो दूसरा पार्ट भी इस लेक्चर का आ सकता है. सो अमोनिया की अमोनिया को हम कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो हम देखते हैं बेटा. अमोनिया की लैब प्रिपरेशन आप लेते हैं, ले लो आप पहले लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. फर्स्ट प्रिपरेशन इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. हाउ कैन वी प्रिपेयर अमोनिया इन लेबोरेटरी. एक आसान सा कंसेप्ट है, वी टेक अमोनियम साल्ट्स. अगर हमें लेबोरेटरी में अमोनिया को प्रिपेयर करना है तो हम अमोनियम साल्ट्स के थ्रू अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं. अमोनियम साल्ट्स को हम ऐड करते हैं अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वी टेक अमोनियम साल्ट्स, उनको हम कुछ अल्कलीज ऐड करते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों को आपस में हीट कर देते हैं. हीट करने की वजह से ये जो अमोनियम साल्ट्स होते हैं, जब इनको हम अल्कलीज के साथ हीट करते हैं, दिस अमोनियम साल्ट्स दे अंडरगो डिकम्पोजिशन. इनकी डिकम्पोजिशन होती है एंड डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ ये अमोनियम साल्ट्स जो होते हैं they decompose and form ammonia. So ammonia को prepare करने के लिए जो पहली preparation है that is the lab preparation. और lab preparation में हम ammonia को prepare करते हैं by heating ammonium salts with sodium or potassium hydroxide alkalis such that the ammonium salts undergo decomposition and they yield what? Ammonia. ये तो एक theoretical concept था, अब हम एक example लेते हैं कि laboratory में हम कैसे ammonium salts को sodium या potassium hydroxide के साथ heat करते हैं और आपको क्या मिलेगा? Ammonia. हम एक reaction ले लेते हैं. So we are studying the laboratory preparation of ammonia in which we have discussed ammonia is formed by heating ammonium salts with alkalis like sodium hydroxide or potassium hydroxide. Now take the example, we will take the ammonium salt NH4Cl. This salt is called as ammonium chloride. It is one of the ammonium salt. अमोनिया के डिफरेंट साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डिफरेंट साल्ट है अमोनिया के. तो उस वही साल्ट में से एक साल्ट हमने लिया अमोनियम क्लोराइड. इसी अमोनियम क्लोराइड को आप हीट कर दो विथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है. जब हम इनको हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड को, जब हम हीट करते हैं विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर क्या होता है, सबसे पहले ये पोटेशियम और क्लोरीन it will be eliminated as KCl. और इस अमोनियम NH4 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल के इस OH के साथ कंबाइन करता है और बनाता है वाटर. और यहां पे भी क्या रहेगा, नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन NH3, और ये मिला आपका अमोनिया NH3 अमोनिया. दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम. अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट अंडरगोज डिकम्पोशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो कि आपकी लैब प्रेपरेशन है और लैब प्रेपरेशन के थ्रू आपने यहां पे अमोनिया को बना लिया है. सो एक सिंपलेस्ट रिएक्शन है जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो. हीट देने की वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है, एक तो यहां पे NH3 निकलता है, साथ में वाटर यहां पे और पोटेशियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बनाते हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड. हमें ये दोनों तो नहीं चाहिए, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया, वो आपको यहां पर मिल रहा है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. आप इसको कहीं पे भी पॉज कर सकते हो और पॉज करके आप कहीं पे भी स्क्रीनशॉट यहां लिख सकते हो अच्छे से. मैं इसी लैब प्रिपरेशन की और एक एग्जांपल लेता हूं. मैं अमोनियम साल्ट्स
जो मैंने लिया था अमोनियम क्लोराइड, अब मैं अमोनियम क्लोराइड के बदले लेता हूं अमोनियम सल्फेट NH4 whole 2 SO4. दिस इज अनदर अमोनियम साल्ट, इट इज कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ये जो अमोनियम सल्फेट है इसको मैं ऐड करता हूं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली फिर से ऐड कर रहा हूं। अब एक चीज यहां पे देख लो, मैं एक चीज काम करता हूं, यहां पे दो अमोनियम आयन है, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहां पे 2 times ले लेता हूं, एंड वंस अगेन मैं इनको हीट करता हूं आपस में। आई एम हीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज टू सोडियम एटम्स दे कंबाइन विथ दिस एसओ फोर एंड दे फॉर्म Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4, दीज टू सोडियम एटम्स and this sulfate they are that is eliminated as sodium sulfate Na2SO4 and what we are left with 2 OH groups, yahan pe 2 OH groups hai aur 2 ammonia groups, ek ammonium group mein se ek hydrogen niklega, dusre ammonium mein se dusra hydrogen niklega, do hydrogen in 2 OH groups ke sath combine karenge aur banayenge 2 times water, aur sath mein yahan pe kya rahega 2 times NH3 aur ye aapko fir se mil raha hai aapka ammonia, your main product अमोनिया आपको फिर से मिल रहा है, यू आर वंस अगेन गेटिंग अमोनिया एज योर प्रोडक्ट। सो यू हैव हीटेड अमोनियम सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू हैव गॉट व्हाट अमोनिया, और अमोनिया के साथ साथ आपको एक तो सोडियम सल्फेट मिल रहा है और साथ में आपको वाटर भी यहां पे मिल रहा है। सो द मेन प्रोडक्ट हियर इज अमोनिया, और अमोनिया को हमने यहां पे फिर से बना लिया है। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने दी है यहां पर, एक तो अमोनियम क्लोराइड को KOH के साथ रिएक्ट करवाया, दूसरा हमने अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, दोनों रिएक्शंस में आपको अमोनिया मिल रहा है, और ये जो दोनों रिएक्शंस है ये कहलाती है लैब प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। सो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में हाउ कैन यू प्रेपियर अमोनिया इन लेबोरेटरी, दैट इज द सिंपल रिएक्शन, वी प्रेपियर अमोनिया इन लेबोरेटरी बाय सिंपली ट्रीटिंग अमोनियम साल्ट्स, वेदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट विथ अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अपॉन हीटिंग दोज अमोनियम साल्ट्स दे डिकम्पोज एंड यील्ड व्हाट अमोनिया। इसके साथ ही आपकी पहली रिएक्शन जो है लैब प्रेपरेशन अमोनिया की यहां पे कंप्लीट हो जाती है। सो मेरा इसको मैं रब कर देता हूं, रब करने के बाद हम अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन पढ़ते हैं, सेकेंड वन, दैट इज द इंडस्ट्रियल preparation of NH3, industrial preparation of NH3। बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे ये जो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया है ना, इसको हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अगर हमें इंडस्ट्री में अमोनिया बनाना हो, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन और लैब प्रेपरेशन में खाली एक फर्क है, जो लैब प्रेपरेशन जो हम लेते हैं उसमें यील्ड ऑफ अमोनिया बहुत कम होता है, यानी कि अमोनिया जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, वहां पे हमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। अगर हमें अमोनिया को लार्ज क्वांटिटीज में बनाना हो, इंडस्ट्रीज में बनाना हो, लार्ज क्वांटिटीज में बनाना हो, तो फिर हम हैबर्स प्रोसेस को यूज करते हैं। सो यूजुअली यही प्रोसेस प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया की, यही प्रोसेस आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है कि हाउ कैन यू प्रेपेयर अमोनिया इंडस्ट्रियली विद द हेल्प ऑफ हैबर्स प्रोसेस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा ही जाता है हर हैबर्स प्रोसेस के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, इसको हम कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया भी कहते हैं, कमर्शियल प्रेपरेशन। सो हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा, हम इंडस्ट्री में कैसे अमोनिया को बनाते हैं, हैबर्स प्रोसेस के थ्रू, जिसका और एक नाम है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। सो मैं इसका नाम हटा देता हूं, वी आर गोइंग टू स्टडी हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी टेक इन टू नाइट्रोजन गैस, वी आर स्टडिंग हैबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाइट्रोजन को हम लेते हैं, नाइट्रोजन गैस को इसको हम ऐड कर देते हैं 3 times हाइड्रोजन गैस। बेटा समझिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है और इस रिएक्शन में बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिलेगा सीखने के लिए। N2 गैस को आप कंबाइन करोगे 3 times हाइड्रोजन गैस के साथ, और कंबाइन करने के बाद ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 2 times NH3 अमोनिया, 2 times NH3
यानी कि अमोनिया आपको मिलता है। सर अब आपको ये लग रहा होगा कि ये रिएक्शन सर इतनी सिंपल है, अब इतना एग्जाम में आने के लिए यहां पे क्या है जो आप कह रहे हो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन तो करता है और वहां पे क्या मिलता है अमोनिया। बट देयर इज द प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन, ये जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है दिस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इस अमोनिया के बनने के समय जब अमोनिया यहां पे बनता है साथ में यहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब भी एनर्जी रिलीज होती है वी यूज नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एनर्जी इज लॉस। और 92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां पे रिलीज हो जाती है। सो नाइट्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और आपको क्या मिलता है यहां पे अमोनिया मिलता है। लेकिन अमोनिया जब बनता है साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है 92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। एक चीज है, हम एक चीज कह सकते हैं इन हैबर्स प्रोसेस वी यूज नाइट्रोजन एंड वी कंबाइन विद दैट नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म व्हाट अमोनिया। एंड व्हेनेवर द अमोनिया इज फॉर्मड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। अमोनिया का बनना जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब और हमने ये भी पढ़ा होता है अगर आपको 11th का कंसेप्ट याद होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है, बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। तो एक चीज करते हैं, नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, एक्सोथर्मिकली आपको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में जो अमोनिया का यील्ड होता है ना वो बहुत कम होता है। अमोनिया को यील्ड जो होता है, अमोनिया की क्वांटिटी जो मिलती है इस रिएक्शन में वो बहुत कम मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। इसलिए क्या किया जाता है, केमिस्ट्स क्या करते हैं वो कहते हैं कि आप एक चीज करो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ इंक्रीज करो। क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा ज्यादा होगी, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी अमोनिया आपको ज्यादा मिलने के चांसेस है। इनिशियली जो अमोनिया का यील्ड यहां पे होता है, अमोनिया की जो क्वालिटी क्वांटिटी आपको मिलती है वो कम मिलती है। सो केमिस्ट्स क्या कहते हैं, एज पर लिचैटलियर्स प्रिंसिपल, अमोनिया कौन सी रिएक्शन में मिलता है हमें, फॉरवर्ड रिएक्शन में मिलता है। तो हम यहां पे लिचैटलियर्स प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं। लिचैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको कोई सी भी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करनी हो, अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, आपको अगर अमोनिया चाहिए आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो। सो द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मोर एंड मोर अमोनिया इज दैट वी हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाट, हाइड्रोजन। So, पहली फेवरेबल कंडीशन, आपको कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस। द फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन इज अगर हमें अमोनिया ज्यादा चाहिए हमें रिएक्टेंट्स को ज्यादा लेना पड़ेगा, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। जो ही हम इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे इनके बीच में कोलिजन ज्यादा होंगे और तब जाके आपको अमोनिया ज्यादा मिल सकता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अमोनिया वी हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जब ही रिएक्टेंट ज्यादा होगी तभी आपका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है, इससे आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती है। आपको अमोनिया कम मिल रहा था, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी साथ के कोलिजन ज्यादा हो जाए और अमोनिया ज्यादा मिले, आपने ये चीज तो की। लेकिन फिर भी अमोनिया का यील्ड यहां पे ज्यादा नहीं मिलता, फिर भी अमोनिया का यील्ड यहां पे कम ही मिलता है। अब क्या करते हैं अमोनिया का जो यहां अमोनिया आपको मिल रहा है, लेकिन क्या ये एंडोथर्मिकली मिल रहा है कि एक्सोथर्मिकली मिल रहा है, एक्सोथर्मिकली मिल रहा है, यानी कि अमोनिया बनने के समय वहां से ही एनर्जी रिलीज हो रही है। एज पर लिचैटलियर्स प्रिंसिपल, जब भी लिचैटलियर्स प्रिंसिपल हम 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, लिचैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है जब भी आपका प्रोडक्ट बन रहा हो बाय द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उस टाइम अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट ज्यादा मिले
रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर दो. सो वी हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर, वी हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा. सर हमें टेम्परेचर क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर अगर हमने ज्यादा रखा तो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी. जब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, अमोनिया ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा और हमें अमोनिया कम मिलेगा. इसीलिए लिचैटलियर क्या कहता है, लिचैटलियर कहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आपको एक्सोथर्मिकली मिले उस टाइम आप रिएक्शन का टेम्परेचर रिड्यूस कर लो, तभी जाके आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा. लेकिन सर मैं तो टेम्परेचर को रिड्यूस करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अमोनिया एक्सोथर्मिकली मिल रहा है. मैं टेम्परेचर को रिड्यूस करूंगा लेकिन साथ ही में मुझे केमिकल काइनेटिक्स का एक कंसेप्ट याद आ रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. केमिकल काइनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एक तरह से मुझे लिचैटलियर क्या कहता है, वो कहता है कि अमोनिया जो है वो एक्सोथर्मिकली बन रहा है. अगर तुझे अमोनिया ज्यादा चाहिए तो रिएक्शन का टेम्परेचर रिड्यूस कर दे, तब जाके आपको अमोनिया ज्यादा मिलेगा. लेकिन दूसरी तरह केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट है कि अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रिड्यूस कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, यानी कि इनका आपस में कंबाइन होना कम हो जाएगा. क्योंकि जब ही हम टेम्परेचर देते हैं तभी रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, तभी उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बनेगी, तभी आपको अमोनिया मिलेगा. सो अब यहां पे एक दुविधा है, क्या सर हम टेम्परेचर रिड्यूस करें या टेम्परेचर इंक्रीज करें? एक तरह से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इन दोनों के बीच में कोलिजन ज्यादा होगी तो अमोनिया ज्यादा मिलेगा. लेकिन दूसरी तरह से यह प्रॉब्लम है, अगर मैं टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, अमोनिया खत्म हो जाएगा. सो यहां पे तो मैं फंस गया हूं एक तरीके से, ना तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता हूं ना तो मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता हूं. लेकिन अब केमिस्ट्स ने क्या कहा, केमिस्ट्स ने क्या कहा कि ना तो हम टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ना हम टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर लेते हैं, एक मॉडरेट टेम्परेचर लेते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर जिसपे अमोनिया का यील्ड अमोनिया ना ज्यादा डिकम्पोज हो और अमोनिया अच्छी क्वांटिटी में बने भी. यानी कि यहां पे एज पर लिचैटलियर प्रिंसिपल हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम. लेकिन साथ ही में अगर हमें इन दोनों के कोलिजन्स एक्टिव कोलिजन्स करने हो कराने हो तो हमें टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा. सो एक मॉडरेट टेम्परेचर लेते हैं, एक मॉडरेट टेम्परेचर जिसमें अमोनिया का यील्ड अच्छा खासा मिले, तो 700 केल्विन कहा गया वो एक फेवरेबल टेम्परेचर है. किसके लिए? अमोनिया बनाने के लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर है 700 केल्विन. लेकिन 700 केल्विन से अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा दिया, 700 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने यहां पे यूज किया तो अमोनिया वापस डिकम्पोज हो जाएगा, अमोनिया यहां पे बनेगा ही नहीं. सो 700 केल्विन इज द मॉडरेट टेम्परेचर एट विच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अमोनिया आर फॉर्मड. लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 700 केल्विन से कम कर दूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हम 700 से कम भी नहीं कर सकते और 700 से ज्यादा भी नहीं दे सकते. अगर हमने 700 से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो यहां पे क्या होगा, अमोनिया ज्यादा ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा. एक मॉडरेट टेम्परेचर लेना पड़ता है 700 केल्विन, विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. इस टेम्परेचर पे अमोनिया की ज्यादा डिकम्पोजन नहीं होती है. अब और एक चीज देख लो बेटा, यहां पे N2 के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल N2, इसके बदले में लिखता हूं 1 मोल 1 मोल. और हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स, इसके बदले में लिखता हूं 3 मोल्स. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. बेटा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं हैबर्स प्रोसेस में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम्स में हैबर्स प्रोसेस के रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स फिर लिखने पड़ते हैं. हैबर्स प्रोसेस क्यों एक डिफिकल्ट प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमें टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं देना पड़ता. अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर यूज करना पड़ता है. और मॉडरेट टेम्परेचर यूज करने के बाद भी अमोनिया उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमोनिया बहुत ज्यादा बनेगा. लेकिन यहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रखने की वजह से अमोनिया उस क्वांटिटी के हिसाब से नहीं मिलता है जिस हिसाब से ही मिलना चाहिए. तभी जाके क्या कहते हैं कि आप एक इंपॉर्टेंट कंडीशन समझते हैं
क्या इस रिएक्शन में प्रेशर का कोई रोल है? अगर कुछ प्रेशर का रोल होगा तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या अगर हमें अमोनिया मिलेगा तो हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे? क्या इस रोल में अगर हम इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे, क्या प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से अमोनिया ज्यादा मिलेगा कि प्रेशर ज्यादा देने की वजह से अमोनिया ज्यादा मिलेगा? हम देखे नहीं कि इस रिएक्शन में प्रेशर का इन्फ्लुएंस क्या होगा। अकॉर्डिंगली अगर हमें अमोनिया ज्यादा बनाने के लिए प्रेशर ज्यादा देना पड़े तो हम प्रेशर ज्यादा दे देंगे, अगर अमोनिया बनाने के लिए हमें प्रेशर कम देना पड़े तो हम प्रेशर कम दे देंगे। सो प्रेशर का रोल समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, यो समझिएगा। नाइट्रोजन के कितने मोल्स है? 1 मोल, वो रिएक्टेंट है 1 मोल, और ये हाइड्रोजन ये भी रिएक्टेंट है, इसके कितने मोल? 3 मोल। टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3 + 1 = 4 मोल्स। 4 मोल्स, वी आर हैविंग 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। 4 moles of reactants, out of which 3 moles are hydrogen and 1 mole is nitrogen. 4 moles of reactants are combining and they are forming 2 moles of products. यानी कि इस रिएक्शन में गड़बड़ है। Number of moles of reactants is not equal to number of moles of products. जब हम reactants के moles देखते हैं तो ज्यादा है, जब हम products के moles देखते हैं तो कम है। तो इस रिएक्शन में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी 11th में, आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT। जरा आप इस वॉल्यूम को यहां पे ले जाओ, P विल बी इक्वल टू व्हाट? nRT divided by V। PV is equal to nRT, that is the ideal gas equation. और इस गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख लो, मैंने वॉल्यूम को यहां पे शिफ्ट कर लिया, वो डिवाइड हो गया। अब ये R है, that is universal gas constant, temperature जो कि हमने कॉन्स्टेंट कर दिया 700 केल्विन, और वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर उसको भी कॉन्स्टेंट मानते हैं। सो R, T एंड V, दे आर कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। सो मैंने V को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, R को जब कॉन्स्टेंट रखा, दिस P प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। Pressure is directly proportional to number of moles as per ideal gas equation. अब एक चीज देख लो, हमने एक चीज समझा यहां पे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जिस साइड से नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उस साइड से प्रेशर ज्यादा होगा, जिस साइड से नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस साइड से प्रेशर कम होगा। तो समझ लो यहां पे 4 मोल्स है रिएक्टेंट्स गैस, यहां पे 2 मोल्स है रिएक्टेंट्स गैस। So, 4 moles gas ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और 2 moles gas कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। When we move from reactants to products, obviously there is decrease in number of moles. Not only that, there will be decrease in pressure. यानी कि जब हम reactant से products की तरफ जा रहे हैं तो number of moles decrease हो रहे हैं और साथ में pressure भी decrease होगा, क्योंकि जितना number of moles decrease होंगे उतना आपका pressure भी decrease होगा। So when we move from reactants to products, there is not only decrease in number of moles, there is also decrease in the pressure. So decrease in pressure हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में। जब हम जाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ, जब हम जाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब लीचैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करो। अब क्या चाहते हो, क्या आप यहां पे चाहते हो कि अमोनिया ज्यादा बने कि अमोनिया कम बने? ऑब्वियसली हम अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि अमोनिया ज्यादा बने। वो किस प्रोसेस से बन रहा है? फॉरवर्ड प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है। किस प्रोसेस से? जिससे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जब अमोनिया उस प्रोसेस से बन रहा है जिस प्रोसेस से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लीचैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो। प्रेशर को हम क्यों इंक्रीज करें सर? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन चाहेगी इसमें फिर से इक्विलिब्रियम खत्म हो, इसमें इक्विलिब्रियम फिर से डेवलप हो। वो चाहेगी कि जिस फैक्टर के वजह से मुझ में इक्विलिब्रियम खत्म हुआ है वो इस इफेक्ट को खत्म करेगी और रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करवाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फिर से समझिएगा बेटा, फिर से समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 moles रिएक्टेंट एंड 2 moles अमोनिया। फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और लीचैटलियर कहता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाए, अगर आप चाहते हो अमोनिया ज्यादा बने, अब प्रेशर को इंक्रीज करो। प्रेशर हम रखते हैं 200 एटमोस्फियर।
हमने प्रेशर यहां पे 200 एटमॉस्फेयर रख दिया। सर आपने 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्यों रखा? क्योंकि व्हेन वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स देयर विल बी डिक्रीज इन प्रेशर। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। लिचैटलियर कहता है कि आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो। जब आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे यहां पे इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा वो किसकी वजह से हुआ? प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इक्विलिब्रियम खत्म हुआ। अब ये रिएक्शन चाहेगी कि मुझमें इक्विलिब्रियम फिर से डेवलप हो, वो इंक्रीज्ड प्रेशर को क्या करवाएगी? डिक्रीज। और डिक्रीज करने के लिए तरीका कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, प्रेशर फिर से डिक्रीज किया जाएगा, प्रेशर फिर से डिक्रीज किया जाएगा। उसके लिए एक ही कंडीशन है, फॉरवर्ड रिएक्शन को ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाते बढ़ाते प्रेशर तो कम होगा लेकिन साथ में आपको अमोनिया भी ज्यादा मिलेगा। सो इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर यील्ड ऑफ अमोनिया इन दिस रिएक्शन, एक तो हमें टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? 700 केल्विन। साथ में हमें प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ेगा। हाई रखने की वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम खत्म। जब इक्विलिब्रियम खत्म होगा हाई प्रेशर की वजह से, ये रिएक्शन चाहेगी कि मेरा इक्विलिब्रियम फिर से दोबारा एस्टैब्लिश हो जाए, वो इंक्रीज्ड प्रेशर को डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज करने की के लिए यहां पे कंडीशन कौन सी है? वो रिएक्शन को शिफ्ट करवाएगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा। और प्रेशर को डिक्रीज करते करते आपका अमोनिया ज्यादा यहां पर मिलेगा। सो थ्री कंडीशन आर दियर नाउ, थ्री कंडीशन। अगर आपको अमोनिया ज्यादा चाहिए, अमोनिया अगर आपको ज्यादा चाहिए हैबर्स प्रोसेस में, आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा कर लो। जिनकी जितनी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने ये कोलिजन ज्यादा करेंगे और आपको फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, अमोनिया ज्यादा मिलेगा। साथ ही में आपने देखा कि अमोनिया का जो बनना है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिकली जो प्रोडक्ट मिले वो बनते समय आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। वही टेम्परेचर जो मॉडरेट टेम्परेचर रखा गया दैट इज 700 केल्विन। इससे कम टेम्परेचर हम रख नहीं सकते क्योंकि इससे टेम्परेचर अगर हमने कम रखा तो ये आपस में एक्चुअली कोलाइड नहीं कर पाते। और साथ में आपसे पूछा गया, ये कहा गया कि अगर आपको अमोनिया चाहिए ज्यादा आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इक्विलिब्रियम खत्म होगा। इक्विलिब्रियम खत्म करने की खत्म होने की वजह से ये रिएक्शन चाहेगी कि मुझमें इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टैब्लिश हो। वो रिएक्शन को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स अमोनिया और आपको अमोनिया हाई प्रेशर पे ज्यादा मिलेगा। लेकिन हैबर्स प्रोसेस में आपने देखा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, टेम्परेचर कम, 700 केल्विन इससे ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि अमोनिया वापस डिकम्पोज हो सकता है और प्रेशर हमें ज्यादा देना पड़ेगा तब जाके आपको अमोनिया ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी इतनी कंडीशंस के बाद भी अमोनिया हमें ज्यादा नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा कंडीशन हम लगाते हैं, अमोनिया ज्यादा तो मिलना है लेकिन उतना नहीं मिलता जितना हमें इंडस्ट्रियली एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए और एक चीज कहा गया, आप इस रिएक्शन में फेरस ऑक्साइड और मॉलिब्डेनियम को कैटलिस्ट यूज करो। इस रिएक्शन में अगर आपको अमोनिया ज्यादा चाहिए, नो डाउट आप टेम्परेचर 700 केल्विन रख रहे हो, उस 700 केल्विन जो है वो एक कम टेम्परेचर है तो कम टेम्परेचर पे इनके कोलिजन्स भी कम होंगे। सो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये दोनों आपस में ज्यादा कंबाइन करें, आपको अमोनिया ज्यादा मिले, आप कैटलिस्ट भी इसमें यूज करो। फेरस ऑक्साइड और मॉलिब्डेनियम को यहां पे कैटलिस्ट इसलिए यूज किया जाता है ताकि अमोनिया ज्यादा यहां पे मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में आपने देखा कि अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हमें बैकवर्ड रिएक्शन को कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा। और बैकवर्ड रिएक्शन को कैसे स्टॉप करें? टेम्परेचर रख लो 700 केल्विन और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे दो और साथ में कैटलिस्ट भी यूज करो, आपको अमोनिया यहां पे ज्यादा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्रेशर प्ले करता है क्योंकि प्रेशर जितना इंक्रीज होगा ना उतना इक्विलिब्रियम खत्म होगा। जितना इक्विलिब्रियम खत्म होगा सिस्टम चाहेगा मुझमें इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश हो, वो प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा। प्रेशर तभी डिक्रीज होगा जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे और नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड रिएक्शन में ही डिक्रीज होते हैं, तभी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी तो अमोनिया यहां पर ज्यादा मिलेगा। सो आपके एग्जाम में क्या आएगा? हैबर्स प्रोसेस डिस्कस करो और वो कौन कौन से फैक्टर्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अमोनिया। वो फैक्टर्स एक तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई एंड द यूज ऑफ कैटलिसिस, इन सब कंडीशंस पे आपको अमोनिया बेटा ज्यादा मिलता है वरना नहीं मिलता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हैबर्स प्रोसेस।
आपने यहां पे एक तो अमोनिया की प्रेपरेशन डिस्कस कर दी, लैब प्रेपरेशन, जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट किया विथ हाइड्रोक्साइड्स, वहां पे आपको अमोनिया मिला। फिर आपने अमोनिया को प्रेपेयर किया इंडस्ट्रियली विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस, जिसमें आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन किया अंडर डिफरेंट कंडीशन, वहां पर आपको अमोनिया मिला। सो अमोनिया की प्रेपरेशन यहां पर खत्म हो रही है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NH3। अमोनिया की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैंने पहले ही कहा था ये लेक्चर लेंथी बनेगा, इसलिए मैं इसके दो पार्ट बनाता हूं। मैं आज आपको प्रेपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया और यूजेस ऑफ अमोनिया वो मैं अलग पढ़ाऊंगा। देख लीजिए, द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया विच इज अ गैस, अमोनिया जो है, अमोनिया जो है NH3, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस। पहली बात यह आप याद रखोगे, ये एक कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, और साथ में इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। दूसरी बात, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। अमोनिया जो है ना, इसकी एक बहुत बैड स्मेल होती है, जिसको हम अमोनिकल स्मेल कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अमोनिकल स्मेल, अमोनिकल स्मेल। अमोनिया की जो स्मेल है वो एक बहुत बैड स्मेल है, और वो स्मेल खाली अमोनिया में ज्यादातर पाई जाती है, इसीलिए उस स्मेल का नाम ही रखा गया अमोनिकल स्मेल। या अगर मैं ऐसे कहूं, अमोनिया स्मेल इज लाइक दैट ऑफ यूरिन, जो यूरिन होता है, जो यूरिन की स्मेल होती है वैसी ही स्मेल होती है अमोनिया की, तभी मैंने कहा इट हैज अ पंजेंट स्मेल, बैड स्मेल, एंड दैट स्मेल इज कॉल्ड एज अमोनिकल स्मेल, और वी कैन से अमोनिया स्मेल इज लाइक दैट ऑफ ए यूरिन, जो इसकी स्मेल होती है वो यूरिन की तरह होती है। ये तो दो प्रॉपर्टीज आ गई है इसकी अमोनिया की, और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो अमोनिया है, थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज लेस डेंसर, इट इज लेस डेंसर देन एयर। जो अमोनिया गैस की डेंसिटी है, डेंसिटी वो एयर की डेंसिटी से बहुत कम है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर अमोनिया इज लेस डेंसर देन एयर। ये और एक प्रॉपर्टी आ गई है, सो आई विल राइट डाउन द फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी अमोनिया जो है, फोर्थ वन, अमोनिया इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में अच्छे से डिजोल्व होता है। अमोनिया जो है ये वाटर में अच्छे से डिजोल्व होता है, क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाता है। मैं दिखाता हूं यहां पे, दिस इज NH3, NH H एंड H, दिस इज NH3, यहां पे स्लाइड नेगेटिव आएगा, स्लाइड पॉजिटिव। वी नो दैट नाइट्रोजन इज वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स स्लाइड नेगेटिव चार्ज। सो अमोनिया जो होता है इसमें NH बॉन्ड होती है पोलर, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, अमोनिया इज अ पोलर कंपाउंड एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर, वाटर OH and H, this is HHO, H2O, H2O is also polar, slight negative, slight positive. अब देखो अमोनिया भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, और पोलर तो है ये, दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे। देख लो, नाइट्रोजन का स्लाइट नेगेटिव इसके हाइड्रोजन के स्लाइट पॉजिटिव को अट्रैक्शन करेगा, नाइट्रोजन का स्लाइट पॉजिटिव वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करेगा, और हाइड्रोजन की अट्रैक्शन नाइट्रोजन के साथ, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि अमोनिया वाटर में आसानी से मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि अमोनिया जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, इसकी वजह से अमोनिया जो है वाटर में ज्यादा फ्रीली डिजोल्व होता है। सो यहां पे आपकी वाटर की एक तो लैब अमोनिया की एक तो लैब प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन जिसमें हमने हैबर्स प्रोसेस को डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और साथ में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया इस लेक्चर में डिस्कस की। अब इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा वो इसी अमोनिया के रिलेटेड पार्ट सेकेंड होगा, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया और यूजेस ऑफ अमोनिया डिस्कस करेंगे। सो जब तक पार्ट सेकेंड आता है तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, नोट डाउन करो, जहां पे कंफ्यूजन हो मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।